आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी जो आपकी स्किन की एजिंग के ऊपर बहुत बढ़िया से काम करती है। अगर आप 40 के हो चुके हैं या 30-35 के ऊपर हो चुके हैं तो आपको इस रेमेडी को हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार जरूर करना है। स्किन की एजिंग के ऊपर बहुत बढ़िया काम करती है, स्किन की फाइन लाइन्स रिंकल्स को दूर करती है, स्किन के ऊपर बुढ़ापा के आने से रोकेगी। कम से कम आप 5 साल अपनी उम्र से कम दिखें। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है चेहरे के ऊपर रिंकल झाइयां झुरियां ज्यादा दिखाई देती हैं। अगर आप 35 या 40 प्लस ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी तक आपने अपनी स्किन की केयर की नहीं करनी शुरू की है तो आज ही से करना शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट 5 साल आप छोटे दिखेंगे अभी भी अपनी स्किन को अगर कोई देखेगा तो उससे। तो अगर आप भी चाहते हैं चेहरे के ऊपर एक नेचुरल वाला ग्लो, स्किन टाइट हो, ब्राइट हो, फेयर हो और यहां से स्किन जो लटकना शुरू हो जाती है वो वापस से अपलिफ्ट हो जाए, स्किन के ऊपर एक नेचुरल वाला ग्लो आ जाए, वो जो 20s वाला ग्लो आता है, तो आज की रेमेडी के ऊपर आपने एकदम सही क्लिक किया है। क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा एक ऐसा नुस्खा, मेरा एक ऐसा घरेलू उपाय जो कि अक्सर मैं अपनी स्किन के ऊपर करती हूँ और मैंने बताया भी बहुत बार है। लेकिन आज की जो रेमेडी है उसमें हम ना सिर्फ स्किन की एजिंग के ऊपर काम करने वाले बल्कि हम हमारे स्किन के जितने भी डार्क स्पॉट्स होंगे उसके ऊपर भी काम करेंगे। ये रेमेडी जेंट्स लेडीज यानी कि लड़का हो चाहे लड़की हो कोई भी जेंडर लगा सकता है, बस बच्चों को यानी कि जो 20s के अंदर है उनको नहीं लगानी है क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। अगर वो चाहें तो अपनी स्किन के ऊपर फर्स्ट वाला जो स्टेप है उसको कर सकते हैं, वो आपकी स्किन को फेयर करेगा, डार्क स्पॉट्स और पैचेस को हटाएगा, स्किन को एकदम सॉफ्ट बना देगा और स्किन की एक पॉलिशिंग कर देगा जो कि पार्लर में आप 400-500 रुपए देके कराते हैं, घर पर बहुत आसानी से आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तैयार कर लेते हैं स्किन की पॉलिशिंग, लेकिन उसके पहले मैं जरा अपना इंट्रो दे दूं। हेलो दोस्तों, मैं हूं रेखा सिंह। इसी तरह के नुस्खे आपको यहां पर देखने को मिलेंगे जिसमें कि मैं ज्यादातर चीजें घर की यूज करती हूं और अगर हम कुछ बाहर का भी ले रहे हैं तो वह ऐसा होता है जो कि ऑल नेचुरल होता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर देती हूं, तो आप आंखें बंद करके उनको वहां से बाय कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी स्किन का एक क्लीनअप तैयार करेंगे जो कलर तो फेयर करेगा ही, हमारी स्किन के जितने भी इनप्योरिटीज होंगी, हमारी स्किन के अंदर ये जो टिश्यूज के अंदर जो गंदगी जम जाती है, जो हमारी स्किन के अंदर तक डीप तक बैठ जाती है गंदगी, मैल, धूल, मिट्टी, उसको भी ये दूर करेगा और ये स्किन पॉलिशिंग का काम करेगा। आप लोग स्किन पॉलिशिंग कराने मार्केट जाते ही होंगे अक्सर, तो आपको प्राइस भी पता होगा कि कितने का होता है वहां पर। और स्किन पॉलिशिंग एक्चुअली हफ्ते में एक बार जरूर करानी चाहिए, डीप टिश्यूज को ना हमारे रिमूव कर देती है जो कि डेड हो चुके होते हैं ऑलरेडी, जिसकी वजह से हमारी स्किन डल लगती है। स्किन के ऊपर अगर डलना शुरू हो गई है और बिना किसी रीजन के दिख रही है तो इसका मतलब है स्किन की पॉलिशिंग करके बहुत दिन हो गए हैं, तो ट्राई कर लेना इस आज के इस टोटके को जो कि मैं आज आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे 1 चम्मच भर के कॉफी, ये 2 रुपीज वाला जो कॉफी का पैकेट है मैंने वो लिया है और ये मेजरमेंट के साथ में आता है तो आपको यही लेना है। इसके साथ में हम डालेंगे जी इसमें एलोवेरा जेल, ठीक है, मार्केट वाला एलोवेरा मैं यूज करूं, आप चाहें तो घर वाला भी यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है क्योंकि हम अपनी स्किन की क्लींजिंग, स्क्रबिंग और पॉलिशिंग एक ही साथ इसमें ही हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको बना लेंगे, मेरा ये खत्म हो रहा है एक्चुअली। तो ये देखिए इस तरीके से हम हमारे स्किन का एक क्लीनअप तैयार कर रहे हैं। ये क्लीनअप आप मार्केट से कराने जाएंगे 400 रुपए में आपको पार्लर में करके मिल जाएगा, आप एक बार वहां से भी कर लीजिए, एक बार घर पर कर लीजिए। अब देखिए रोज रोज तो पार्लर नहीं जाया जा सकता है, भाई मैं नहीं जाती हूँ रोज रोज पार्लर, इतने पैसे नहीं खर्च करने का मन करता है, उसकी जगह मैं बतेरे काम कर सकती हूँ। और क्योंकि मैं मेरे DIYs को ज्यादा करती हूँ और उससे मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं क्यों मार्केट जाऊंगी और पार्लर में जाऊंगी। तो ये देखिए ये हमारे स्किन का एक क्लीनअप तैयार है जिसको लटक रही है आपकी ये वाली जगह से, बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि लटकना शुरू हो चुकी है, स्किन लूज होना शुरू हो चुकी है, स्किन प्लम्पी नहीं लग रही है, हाइड्रेटेड नहीं लग रही है, ये रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको आपने हफ्ते में, अगर आप 40 प्लस हैं तो हफ्ते में रोज भी लगा सकते हैं, 30 प्लस हैं तो हफ्ते में 2 से 3 बार लगाएंगे, कलर भी फेयर करेगी, डार्क स्पॉट्स को हटाएगी, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं इसमें, आपकी स्किन के पुरानी से पुरानी मैल, डर्ट, पॉल्यूशन को हटाएगी, दाग धब्बों को हटाएगी। मान लो बचपन में कोई चोट लगी थी उसके निशान अगर आपकी स्किन से नहीं जा रहे हैं तो ये रेमेडी आपके उन निशानों को भी गायब करेगी। अपनी स्किन के ऊपर ये क्लीनअप लगा लेते हैं। मैंने अपना फेस वॉश किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ मेरे फेस के ऊपर मेरा घर का बनाया हुआ जो मेरा क्रीम था, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, वो मैंने अप्लाई किया, उसके अलावा कुछ नहीं, आप देख सकते हैं। तो आप इसको अपने चेहरे पर तब लगाएंगे अगर आपके चेहरे को आपने वॉश कर लिया है, अगर आप बाहर से आए हैं तो भी आपने अपने चेहरे को एक बार साबुन से या जो भी फेस वॉश आप यूज करते हैं उसके साथ में आपने इसको
उसके बाद में आपने इसको लगाना है। तो पहले हम लगा लेते हैं अच्छे से और दो मिनट हम बढ़िया वाली मसाज इसके साथ करेंगे। देखिए पार्लर जाते हैं ना तो कम से कम आधे घंटे की मसाज वो लोग देते हैं आपकी स्किन को बढ़िया से। तो आपने बस यही करना है, जितना ज्यादा आप अपनी स्किन के ऊपर मसाज करेंगे उतना ज्यादा स्किन की जितनी भी गंदगी होगी, मैल पोल्यूशन होगा, वो निकलेगा। देखिए हमने कर लिया, मैं इसको क्लीन नहीं करूंगी क्योंकि इसके ऊपर ही मैंने अपना जो फेस पैक है वो लगाना है अच्छे से और उसके बाद मुझे मसाज भी करनी, तो मैं इसको क्लीन नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको क्लीन कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर ही लगा रही हूँ। ये देखिए बहुत बढ़िया सी क्रीम, इतनी मुलायम, इतनी सॉफ्ट लग रहा है क्योंकि मैंने दही को अच्छे से फेटा था। तो जब आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं अपनी रेमेडीज में ना तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से हम लगा लेते हैं बढ़िया से, आप भी इसी तरीके से लगाइएगा और कम से कम 10 से 12 मिनट की मसाज आपको जरूर से जरूर देनी है, ठीक है जी। तो मैं जरा ये मसाज कर लेती हूँ और फिर मैं आपको मिलती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये देखिए जी कर लिया मैंने मसाज, अब मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ूंगी कम से कम 10 से 15 मिनट। ये कम्प्लीटली ड्राई नहीं होगा क्योंकि इसमें दही है तो ये सूखेगा नहीं, लेकिन आपने इसको रखना है ताकि आपकी स्किन के ऊपर अपना काम कर सके, ठीक है। तो हम इसको रखेंगे 10 से 15 मिनट, आप चाहें तो नैप ले सकते हैं, आप चाहें तो कोई बुक पढ़ सकते हैं, काम मत करिएगा, पसीना आएगा फिर ये बह जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा इतना मेहनत करने का। तो आप थोड़ी देर बैठ जाइए, टीवी देख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इस फेस पैक को बनाना है। इसके लिए हमें लेना है 1.5 से 2 चम्मच दही, थोड़ा गाढ़े वाला दही हो तो बहुत अच्छा है, क्रीम बहुत अच्छी बनेगी इससे। और इस दही को अब आपने फेटना है। देखिए जब आप इसको फेटेंगे तो ये बहुत ही स्मूथ सी एक क्रीम बनके आपको मिल जाएगी। इसमें आपको बिल्कुल भी गट नहीं होने चाहिए, मतलब लाइक अलग अलग जैसे दही फटा फटा होता है वो नहीं होना चाहिए, तो पैक का ना उतना मज़ा नहीं आता है। तो थोड़ी सी 2 से 3 मिनट की मेहनत आपको यहाँ पर लगेगी। दही को अच्छे से आप फेट लीजिए। अगर आपका दही पतला है तो आप उसको छन्नी में रखिए ताकि उसका जो पानी है वो अलग हो जाए और ऊपर की जो क्रीम है वो आपको मिल जाए। दही आपको गाढ़ा ही लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से दही ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी स्किन को टाइट करने की और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमारे कलर को फेयर भी करेंगे। तो सबसे पहले उसमें नाम आता है फिटकरी का। फिटकरी के बहुत सारे गुण हैं, बस उसको लगाने का तरीका आप अगर समझ जाएंगे तो आपका कलर भी फेयर होगा और आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। तो आपको लेनी है चुटकी भर फिटकरी, इससे ज़्यादा नहीं लेना है आपको, क्योंकि फिटकरी अगर आप ज़्यादा ले लेंगे तो इसको, क्योंकि हमने बना के लगाना है अपने फेस के ऊपर, तो वो थोड़ा सा आपको ड्राई कर जाएगा। तो आपने चुटकी भर ही फिटकरी का पाउडर लेना है, बिल्कुल भी आपने इसको दरदरा वाला नहीं लेना है। आपने मेरे पहले के वीडियोस अगर देखे हैं तो आपको पता चल जाएगा फिटकरी का पाउडर कैसे बनाना है। चुटकी भर हम इसमें डालेंगे कस्तूरी हल्दी और फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच आटा, जो आप आटे की रोटियां खाते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे लिकोराइस पाउडर, सॉरी मेरा कैमरा थोड़ा घूम गया तो वो उल्टा दिखाई दे रहा है। लिकोराइस पाउडर यानी कि मुलेठी का, ये आपकी स्किन को कूल डाउन करता है। स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा हीट बनती है, बॉयल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको लिकोराइस को अपनी स्किन पे ज़रूर लगाना चाहिए। इसके साथ ही लिकोराइस आपके कलर को फेयर करता है, स्किन को ब्राइटन अप करता है, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। और अगर आपकी स्किन के ऊपर एजिंग लाइन ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो लिकोराइस एक मैजिक की तरह आपकी स्किन को टाइट करता है, बुढ़ापे को आने से रोकता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा एलोवेरा जेल, ये मैंने कल ही अभी ऑर्डर किया और आयुर्वेदिक है, प्योर नेचुरल है और नेचुरल चीज़ें स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करती हैं। तो थोड़ा सा हम डालेंगे इसे एलोवेरा जेल, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और एलोवेरा आपने एकदम लास्ट में डालना है। वैसे आप चाहें तो मार्केट वाला एलोवेरा की जगह आप घर का एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे अब हम और उसके बाद में ये हमारा पैक तैयार है लगाने के लिए। देखिए मैं चम्मच के साथ हटा के दिखाती हूँ आपको और आप देखेंगे रिजल्ट। हो सकता है मेरे यहाँ पर आपको उतना ना क्लियर दिखाई दे क्योंकि कई बार क्या होता है लाइट का फर्क पड़ता है और अभी दिन है, बाहर आपको दिख रहा होगा रोशनी है, अंदर भी कोई खास लाइट जल नहीं रही है। ये देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आया है, ऐसा ग्लो लग रहा है आपको मेरी स्किन के ऊपर, क्योंकि मैं इस रेमेडी को की हूँ, मुझे पता है कि रेमेडी बेस्ट काम करती है हमारी स्किन के ऊपर, तो करके जरूर देखना है। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेमेडी, आई होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। होप नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है कि ये रेमेडी अपना चमत्कार बहुत ज्यादा दिखाती है, कई बार पहली बार में दिखा देती है, कई बार आपको थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हर किसी की स्किन अलग टाइप की होती है, उसके ऊपर रिएक्शन अलग टाइप से आता है, कईयों को पहली बार में आ जाता है, कईयों को 2 से 3 बार यूज करने के बाद में अपनी स्किन के ऊपर डिफरेंस दिखाई देता है। तो आपने इस रेमेडी को करना है,
2 से 3 दिन तक आपको वेट जरूर करना है, इसको लगातार करना है, जैसे बताया जा रहा है वैसे करेंगे तो आप अपनी स्किन के ऊपर बहुत बढ़िया ग्लो पाएंगे। इस रेमेडी को करने के बाद में आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कहां से, किस शहर से आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और क्या आपको मेरी रेमेडीज में पसंद आया, उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। इस रेमेडी के साथ में बाय बाय, टेक केयर, सी यू।